गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये भी कभी कभी प्रार्थना करते रहो अपने गुरुजनों से कि हमारा हमारी बुद्धि में माया का प्रवेश न हो जाए, वो ठग न ले, हमारी बुद्धि में अज्ञान न आ जाए, अज्ञान आवरण से हम आपको मनुष्य न मानने लगे। देवहूति ने प्रणाम किया और लीजिए बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेय साय में, भगवान कह रहे हैं अत्यंतो परित्रयत्र दुखस्य चे सुखस्य च चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्त बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। आदमी अपने गुणों से बंधा है, कर्मानुबंधेने मनुष्य लोके, बंधन जैसी चीज तो अपने से है, हम माने बैठे हैं अपने को देह बुद्धि मन ऐसा माने बैठे हैं तो हम उलझे हुए हैं। अन्यथा तो मां अगर इनसे मुक्त हो जाए जीव तो मुक्त ही है। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। मां कह लेंगे अरे बेटा उपदेश दे मुझे, सबसे पहले क्या करूं मैं, जीव को क्या करना चाहिए। अब देखो गुरु के उपदेश हैं, ध्यान से सुनना। भगवान स्वयं प्रकट हो गए कपिल में, भगवान स्वयं प्रकट होकर और अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं। मां ने हाथ जोड़ लिए, फूल पत्ती लेकर बैठ गई और कह लिए गुरुदेव अब मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे गुरु मंत्र दे दो। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणम्। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम, अरे मां साधुओं का संकर, सबसे बड़ा उपदेश क्या है, सत्संगति, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो क्या करना चाहिए, पहला साधन क्या है, महात्माओं की संगति। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनाम, ऐसे महात्माओं का संग करो जो तितिक्षु हो। तितिक्षवः कारुणिकः, करुणा, बुद्ध में करुणा देखिए, भगवान महावीर स्वामी में करुणा, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव में करुणा, करुणा भगवान शंकराचार्य में, वल्लभाचार्य में, निम्बार्काचार्य में, भगवान के ये जो भी आचार्य आए, दरियाब स्वामी, करुणा, करुणा मूर्ति।